इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन रविवार है। प्रतिपदा तिथि आज शाम 5:07 तक रहेगी। आज सुबह 7:40 से शुरू होकर कल सुबह 7:46 तक शुक्ल योग रहेगा। साथ ही आज शाम 5:07 से लेकर देर रात 2:20 तक राजयोग रहेगा। इसके अलावा आज देर रात 2:20 तक उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आज सूर्य की मीन संक्रांति है, आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायजेद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग शाम 5:07 तक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह सूर्योदय से देर रात 2:20 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:32 पर शुरू हुआ था और शाम 4:08 तक रहेगा, और फिर आज ही शाम 6:25 से रात 8:41 तक भी रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 18 मार्च की सुबह 6:28 से 9:22 तक और दोपहर पहले 11:17 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। यह मुहूर्त सुबह 6:32 पर शुरू हुआ था और सुबह 8:02 तक रहेगा, और फिर आज ही सुबह 9:37 से दोपहर 1:47 तक भी रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। यह मुहूर्त सुबह 6:32 पर शुरू हुआ था और सुबह 8:02 तक रहेगा, और फिर आज ही सुबह 9:37 से दोपहर 1:47 तक भी रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:32 पर शुरू हुआ था और सुबह 8:02 तक रहेगा, और फिर आज ही सुबह 9:37 से शाम 4:08 तक भी रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 6:25 से रात 1:20 तक और रात 3:24 से कल सुबह 6:31 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा मुहूर्त रात 3:24 से अगली सुबह 6:31 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर 2:38 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, कर्क, वृश्चिक और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 4:59 से शाम 6:29 तक, मुंबई शाम 5:18 से 6:48 तक, चंडीगढ़ शाम 5 से शाम 6:30 तक, लखनऊ शाम 4:45 से शाम 6:14 तक, भोपाल शाम 4:59 से 6:29 तक, कोलकाता शाम 4:16 से शाम 5:45 तक, अहमदाबाद शाम 5:18 से शाम 6:48 तक, और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 4:49 से शाम 6:19 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो वो शुभ दिशा है उत्तर, पश्चिम और उत्तर। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की।
मेष राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आपको कुछ कामों में सफलता मिलेगी, लेकिन आज आपको अजनबी लोगों पर भरोसा करने से बचना चाहिए। आपको अपनी योजनाओं के प्रति गोपनीयता बनाए रखने की जरूरत है। जीवन साथी के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। उन्हें खुश करने के लिए कोई उपहार देना उचित रहेगा। आप किसी सामाजिक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का निवारण होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। किसी काम में आपको भाई बहन का सपोर्ट मिल सकता है। आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। करियर में आपकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। कुछ खास जगहों पर आपकी प्रशंसा होगी। आप कोई छोटा उद्योग शुरू करने के बारे में विचार करेंगे। बिजनेस के लिहाज से की गई यात्राएं आपके लिए लाभकारी हो सकती हैं। आपको सभी कामों में सफलता प्राप्त होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। काम के सिलसिले में की गई यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। समाज में आपका सम्मान और रुतबा बढ़ेगा। किसी रिश्तेदार के आगमन से घर में खुशी का माहौल बनेगा। आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। अपने लक्ष्य को पूरा करने में आपको किसी की मदद मिल सकती है। जो लोग मार्केटिंग की फील्ड से जुड़े हैं, उन्हें आज अच्छे क्लाइंट मिलने की संभावना है। आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज आपको कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है। ऑफिस में आपको कोई नया काम मिल सकता है, जिसे पूरा करने में आप सफल भी होंगे। शाम को परिवार वालों के साथ मौज मस्ती में समय बिताएंगे। आज आप माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाना चाहेंगे। शिक्षण के क्षेत्र से जुड़े लोगों को तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं। कामकाजी महिलाओं का ऑफिस में दिन अच्छा रहेगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। कार्यक्षेत्र में आपको कुछ लोगों से पूरा सहयोग मिलेगा। इनकम के नए रास्ते खुलेंगे। कुछ दिनों से रुका हुआ काम आज पूरा हो जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन काफ़ी बेहतर रहेगा। आपको अचानक कुछ ऐसा हासिल हो सकता है, जिसकी आपको बहुत दिनों से तलाश थी। कार्यक्षेत्र में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि लाने के लिए आपको कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ तालमेल बना रहेगा। घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी हो सकती है। जो लोग नौकरी पेशा हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। काम को लेकर सीनियर्स आपसे नाराज हो सकते हैं। वो आपसे कोई ऐसी बात कह सकते हैं जो आपको बुरी लग जाए, लेकिन आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखने की जरूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आपको वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। परिवार में आपके गुणों की प्रशंसा होगी। नई तकनीक को अपनाने से आपके व्यापार में वृद्धि होगी। अपने जीवन साथी के साथ आप डिनर करने का प्रोग्राम बना सकते हैं। जो लोग संगीत या गायन के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें किसी बड़ी जगह पर परफॉर्म करने का मौका मिल सकता है। आपके व्यापार में वृद्धि होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज नौकरी पेशा लोगों को अपने काम में सफलता हासिल होगी। व्यापारियों को आय के नए स्रोत मिलेंगे। ऑफिस में आपको सबका सहयोग मिलेगा। कोई काम मन मुताबिक पूरा होने पर जीवन साथी आपसे खुश होंगे। आज आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। अपना ध्यान किसी सोशल वर्क में लगा सकते हैं। आपको किसी नए कॉन्टैक्ट से फायदा होगा। कुछ लोगों को आपकी उदारता पसंद आ सकती है। आमदनी में वृद्धि होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, आज आपको नए लोगों से थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। किसी भी काम में घर के बड़ों की सलाह लेना ही बेहतर होगा। पढ़ाई के प्रति आपकी एकाग्रता में कुछ कमी आ सकती है। आपको अपना ध्यान भटकाने से बचना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ सकते हैं। आपको बिजनेस में विरोधियों से बचकर रहना चाहिए। खुद को फिट रखने के लिए आपको योग जरूर करना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज आपका झुकाव किसी नए काम की ओर हो सकता है। करियर के मामले में कुछ चीज़ें बेहतर होने के आसार हैं। बिजनेस में किसी नए ग्रुप से जुड़ने के बारे में विचार कर सकते हैं। हालांकि कोई भी डील करते समय आपको सोच समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। सेहत के प्रति आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। बाहर का फास्ट फूड खाने से आपको बचना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2।
कुंभ राशि वालों छात्रों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। साइंस से जुड़े छात्रों के लिए आज का दिन खास तौर पर फायदेमंद रहेगा। आपका कोई रिसर्च वर्क पूरा हो सकता है। जॉब के मामले में कोई बड़ा ऑफर मिलने से आपको धन लाभ होगा। आप परिवार वालों के साथ मनोरंजन के लिए कहीं ट्रिप पर जाने का प्लान बनाएंगे। सबके साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपको सरकारी कामों में किसी बड़े व्यक्ति की मदद मिलेगी। आप परिवार वालों के साथ शॉपिंग करने जाएंगे। दोस्त आपसे किसी मामले में सलाह कर सकते हैं। आपको कुछ नए बिजनेस प्रपोजल मिलेंगे। लवमेट्स के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। बच्चों के प्रति आपका स्वभाव नरम बना रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज मंदिर में फलों का दान करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ सूर्यदेव की पूजा करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक एक वालों, आज का दिन काफ़ी आनंदमय रहेगा, जिससे आप बहुत खुश बने रहेंगे। मूलांक दो, ऑफिस में आज कुछ सहकर्मी आपके काम का विरोध करेंगे तो कुछ सहकर्मी आपके पक्ष में भी रहेंगे। मूलांक तीन, कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो घर के बड़ों से सलाह जरूर लीजिए। मूलांक चार, आज किसी फ्रेंड की शादी में जा सकते हैं, वहाँ आप खूब एंजॉय करेंगे। मूलांक पाँच, आज का दिन आपके लिए सफलता के मार्ग खोलने वाला है। आपका हर काम आज तुरंत बच जाएगा। मूलांक छः, घर में लक्ष्मी का आगमन हो सकता है, साथ ही आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। मूलांक सात, किसी काम के सिलसिले में आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी लेकिन शाम तक आपका वो काम पूरा हो जाएगा। मूलांक आठ, घर पर किसी समारोह का आयोजन हो सकता है जिससे घर के सभी सदस्यों के चेहरे खिले रहेंगे। मूलांक नौ, खर्च की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आर्थिक स्थिति शानदार रहेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पानी से भरे मिट्टी के घड़े की दिशा के बारे में। भले ही शहरों में आजकल पानी से भरे मिट्टी के घड़े यानी मटके दिखने कम हो गए हों, लेकिन गाँवों में आज भी घर में या किसी सार्वजनिक स्थान पर आपको पानी से भरा मिट्टी का घड़ा देखने को जरूर मिल जाएगा। इसका पानी न केवल पीने में अच्छा लगता है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। दरअसल यह महत्वपूर्ण बात यह है कि सही दिशा में रखा गया पानी से भरा मिट्टी का घड़ा वास्तु की दृष्टि से भी बड़ा महत्व रखता है। ये न केवल संबंधित दिशा के वास्तु को सुधारने में मदद करता है बल्कि घर की पॉजिटिविटी को भी बनाए रखता है। आपको बता दूं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या कार्यालय में मिट्टी का घड़ा यानी मटका रखने के लिए सबसे उचित दिशा है उत्तर दिशा। वास्तु के अनुसार पंच तत्वों अग्नि वायु जल पृथ्वी और आकाश में से उत्तर दिशा का संबंध जल तत्व से है। ऐसे में उत्तर दिशा में जल संबंधी चीजें रखने से हमेशा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन रविवार है। प्रतिपदा तिथि आज शाम 5:07 तक रहेगी। आज सुबह 7:40 से शुरू होकर कल सुबह 7:46 तक शुक्ल योग रहेगा। शुक्ल योग के दौरान किए गए कार्यों में भगवान की कृपा से सफलता जरूर मिलती है। साथ ही आज शाम 5:07 से लेकर देर रात 2:20 तक राजयोग भी रहेगा। राजयोग मांगलिक तथा धर्म कर्म के कामों के लिए अति उत्तम माना जाता है। इसके अलावा आज देर रात 2:20 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में उत्तरा भाद्रपद 26वां नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद का अर्थ होता है भाग्यशाली पैरों वाला व्यक्ति। इस नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं तथा इसकी राशि मीन है। वनस्पतियों में इसका संबंध नीम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दौरान नीम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही नीम के पेड़ को उसकी लकड़ियों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये थी चर्चा शुक्ल योग, राजयोग और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज होने वाले सूर्य की मीन संक्रांति की। आज सूर्य की मीन संक्रांति है, यानी सूर्यदेव कुंभ राशि से मिलकर मीन से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। बता दूं कि आज शाम 6:04 पर सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 13 अप्रैल की देर रात 2:33 तक
12:33 मीन राशि में ही गोचर करते रहेंगे। सूर्यदेव के मीन संक्रांति के साथ ही मीन खरमास भी प्रारंभ हो जाता है। आप जानते हैं कि जब जब सूर्यदेव बृहस्पति की राशि यानी धनु राशि या मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो खर मास आरंभ होते हैं। माना जाता है कि सूर्यदेव अपने सात अश्वों यानी घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं, जिससे दुनिया गतिमान रहती है। कहते हैं भ्रमण करते हुए घोड़ों को प्यास लगती है और सूर्यदेव अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए एक सरोवर पर रुकते हैं, लेकिन उन्हें ध्यान आता है कि उनको रुक जाने से सृष्टि अस्त व्यस्त हो जाएगी। तभी उन्हें सरोवर पर दो खर यानी गधे दिखाई देते हैं तो और सूर्यदेव अपने घोड़ों को आराम देकर गधों को रथ में हाँक लेते हैं। इससे सूर्य की गति धीमी हो गई, इसी कारण इस समय को खरमास कहा गया। अब देखो ये कथानक है, इस कथानक का वैज्ञानिक अर्थ क्या है हम लोग अभी इसको समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। इस दौरान सूर्यदेव और भगवान विष्णु की पूजा बड़ी शुभ मानी जाती है। खरमास के दौरान मांगलिक कार्य, विवाह और यज्ञोपवीत जैसे शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है, लेकिन पूजा पाठ और दान पुण्य के लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ होता है। इस समय में गरीबों को अन्नदान और वस्त्र दान करना चाहिए, इससे अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है। अब देखो यहाँ पे एक बात छोटी सी समझनी चाहिए, सूर्य हमारी सृष्टि का स्वामी है, हम हैं क्योंकि सूर्य है, लेकिन सूर्य को ज्योतिष शास्त्र ने क्या माना है, पाप ग्रह। बृहस्पति अत्यंत शुभ है। अब देखो कुछ मामलों में दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट पोल है, जैसे सूर्य जिस खाने में बैठता है स्थान वृद्धि करो सूर्य, उस स्थान की वृद्धि कर देता है, और गुरु जिस खाने में बैठता है स्थान हानि करो गुरु, गुरु स्थान की हानि, जिस जगह बैठता है उसकी हानि कर देता है। दोनों अपोजिट पोल है। सूर्य हमारी सृष्टि का देवता होते हुए पापक ग्रह माना गया है, गुरु बड़ा ही शुभ ग्रह माना गया है, लेकिन दुनिया में बड़े बड़े पैंडेमिक कब होते हैं, गुरु के गोचर से रिलेट करता है। केवल दो ही तीन प्लेनेट हैं, एक गुरु राहु, अब उसके साथ केतु साइमल्टेनियस हो ही गया, शनि का भी कुछ कुछ रोल रहता है, लेकिन गुरु का रोल बड़ा मेजर होता है। तो गुरु का मामला अच्छा, कई बार हमने देखा है कुछ बड़ी बीमारियां गुरु के समय में होती हैं, कैंसर जैसी बीमारियां भी हमने हमारे अनुभव में ऐसा आया, हम गुरु को बड़ा सतर्क होकर देखते हैं, मतलब ये केवल जो लोग उसको शुभ शुभ शुभ, हम भी कहते हैं हाँ बड़ा शुभ है, इट्स ओके, बहुत चीज़ें देता है, बड़ी कृपा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा आनंद है, देव गुरु है, लेकिन हमारे अनुभव में आया कि गुरु की दशाओं अंतरदशाओं में लोग कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित होते पाए गए। तो अब इसमें यह गुरु बड़ा शुभ है, अच्छे घरों का मालिक हो जाए तो शुभता बहुत बढ़ा देगा, खराब घरों का मालिक हो जाए तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो एक और नियम है प्रकृति का, कुआं जितना गहरा होगा रस्सी उतनी ही लंबी लगेगी। घड़ी का पेंडुलम सिर्फ बाईं तरफ नहीं जा रहा है, वो बाईं तरफ तो जा ही रहा है, साथ ही उतनी ही दूर दाहिनी तरफ जाने के लिए मोमेंटम भी इकट्ठा कर रहा है। तो गुरु को सदैव सतर्क होकर देखने का की परंपरा रही है ज्योतिष शास्त्र में, और जब भी सूर्यदेव गुरु की राशि में गोचर करते हैं इस समय महत्वपूर्ण होता है, शुभ और मांगलिक। अब उसमें कथा जोड़ थी कि घोड़ा हटा के गढ़ा गधा जोत लिया, ये सब ठीक है, इट्स ओके, ना मैं इसका खंडन करता हूं ना मंडन करता हूं, लेकिन ये जरूर कि अनुभव में यह आया है कि सूर्य का गुरु की राशियों में गोचर उस दौरान मांगलिक कार्यों को रोक देना चाहिए। क्यों दान करने की बात कर रहे हैं, इस दौरान दान करना चाहिए, क्यों? दान से आपके पापम पाकर होते, पाप नष्ट होते, दान से आप रोगों से भी मुक्ति पाते, दान बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अब आगे बढ़ते हैं और इस विजडम के साथ आगे चलते हैं। ये भी बता दूं कि सूर्य की संक्रांति के दौरान पुण्यकाल का बड़ा महत्व होता है, और आज सूर्य की संक्रांति का पुण्यकाल दोपहर पहले 11:40 तक रहेगा। अच्छा, कुछ सिद्धांतों के मुताबिक दोपहर से लेकर शाम तक रहेगा। सूर्य की किसी भी संक्रांति में पुण्यकाल के दौरान गोदावरी या अन्य पवित्र नदियों में स्नान दान का बड़ा महत्व है। तो अब सवाल यह है कि सूर्यदेव आपकी जन्मपत्रिका में जो संक्रांति होगी, आपकी जन्मपत्रिका में मीन राशि कहाँ पर है? जहाँ है
वहीं सूर्यदेव जाएंगे। तो अब सूर्य का ये गोचर आपकी जन्मपत्रिका के किस खाने में है, उसके फल शुभ हैं अशुभ हैं, ये सब आपको चर्चा शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों, सूर्यदेव ने आपके 12वें स्थान में गोचर किया। जन्मपत्रिका के इस स्थान का संबंध शैया सुख और व्यय से है। स्थान वृद्धि करो, सूर्य स्थान की वृद्धि करेंगे, शैया सुख देंगे, व्यय देंगे, इससे आपके जीवन में शैया सुख बना रहेगा, आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। लिहाजा शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 13 अप्रैल तक सुबह के समय अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल कर रखिए ताकि सूर्यदेव की भरपूर रोशनी आपके घर में आ सके। और वृष राशि वालों, सूर्यदेव आपके 11वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं और जन्मपत्रिका में इस स्थान का संबंध आमदनी और कामना पूर्ति से है। सूर्यदेव के इस गोचर के प्रभाव से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और आपके संतान स्थान को भी देख रहे हैं तो संतान और आमदनी से रिलेटेड आपकी कोई खास इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी। इस शुभ स्थिति का लाभ पाने के लिए रात को सोते समय अपने सराहने पर 5 मूली रखकर सोएं और अगले दिन सुबह उठकर उन्हें किसी मंदिर या धर्मस्थल पर दान कर दें। मिथुन राशि वालों, सूर्यदेव ने आपके 10वें स्थान पर गोचर किया है। जन्मपत्रिका में इस स्थान का संबंध आपके करियर और पिता से है। सूर्यदेव के इस गोचर के प्रभाव से आपको करियर में नई कामयाबी मिलेगी। अगर आप सरकारी नौकरी ढूंढ रहे थे तो उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। साथ ही आपके पिता की बेहतरी सुनिश्चित होगी और सूर्यदेव की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए अपने सिर पर व्हाइट या ऑफ व्हाइट कलर की टोपी या पगड़ी पहनकर रखें। कर्क राशि वालों, सूर्यदेव ने आपके 9वें स्थान पर गोचर किया है। जन्मपत्रिका में इस स्थान का संबंध आपके भाग्य से है। सूर्यदेव के इस गोचर के प्रभाव से आपको किस्मत का साथ पाने में कुछ परेशानी हो सकती है, लिहाजा सूर्यदेव के अशुभ स्थिति से बचने के लिए साथ ही धर्म कर्म के कामों में अपना सहयोग देते रहना चाहिए, इस अशुभ स्थिति से बचाव होता रहेगा। सिंह राशि वालों, सूर्यदेव ने आपके 8वें स्थान में गोचर किया है। जन्मपत्रिका में इस स्थान का संबंध आपके स्वास्थ्य से है। सूर्यदेव के इस गोचर के प्रभाव से आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। सूर्यदेव के इस शुभ फल को सुनिश्चित करने के लिए काली गाय या बड़े भाई की सेवा करें। कन्या राशि वालों, सूर्यदेव आपके 7वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका में इस स्थान का संबंध जीवन साथी से है। सूर्यदेव के इस गोचर के प्रभाव से जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। आपको अपने हर कार्य में जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी का साथ बनाए रखने के लिए भोजन करते समय अपने भोजन में से एक रोटी निकालकर अपने किसी सहयोगी को या अपने आसपास मौजूद किसी व्यक्ति को खाने के लिए दीजिए। तुला राशि वालों, सूर्यदेव ने आपके 6ठे स्थान में गोचर किया है। जन्मपत्रिका में इस स्थान का संबंध मित्रों और शत्रुओं से है। सूर्यदेव के इस गोचर के प्रभाव से आपका कोई दोस्त आपसे नाराज हो सकता है, साथ ही अपने विरोधियों के प्रति भी सावधान रहें। दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए और शत्रुओं से बचाव के लिए मंदिर में गुड़ का दान करें। वृश्चिक राशि वालों, सूर्यदेव 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। इस स्थान का संबंध विद्या, गुरु, विवेक, रोमांस और संतान से है। सूर्यदेव के इस गोचर के प्रभाव से विद्या के क्षेत्र में आपकी बढ़ोतरी होगी, आपकी संतान को सुख मिलेगा, वो आपके हर संभव कार्य में मदद करेंगे और आपके रोमांस की वृद्धि होगी। सूर्यदेव की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पक्षियों को दाना खिलाइए। धनु राशि वालों, सूर्यदेव आपके 4थे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका में इस स्थान का संबंध भूमि, भवन, वाहन और माता से है। इस दौरान आपको अपने कार्यों में माता से पूरा सहयोग मिलेगा, साथ ही आपको भूमि, भवन और वाहन का लाभ मिलेगा। इस दौरान आप नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं, नया भवन खरीद सकते हैं और नई भूमि खरीद सकते हैं, किसी जरूरतमंद को भोजन कराइए। मकर राशि वालों, सूर्यदेव ने आपके 3रे स्थान पर गोचर किया है। जन्मपत्रिका में इस स्थान का संबंध आपके भाई बहनों और आपकी अभिव्यक्ति से है। सूर्यदेव के इस गोचर के प्रभाव से भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में कुछ गड़बड़ हो सकता है, आप सावधान रहिए। आपके साथ कभी कभी ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप कहना कुछ और चाहते हैं और दूसरे लोग समझ कुछ और बैठते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए चींटियों को आटा डालिए। कुंभ राशि वालों, सूर्यदेव ने आपके 2रे स्थान में गोचर किया है। जन्मपत्रिका में इस स्थान का संबंध सीधे सीधे आपकी आर्थिक स्थिति से है और धन से है। सूर्यदेव के इस गोचर के प्रभाव से आपको धन लाभ होगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए मंदिर में नारियल तेल की शीशी दान करें।
मीन राशि वालों, सूर्यदेव ने आपके पहले स्थान यानी लग्न स्थान पर गोचर किया है। जन्म पत्रिका में इस स्थान का संबंध आपके शरीर, आपके प्रेम संबंध, यश सम्मान और योग्यता से है। सूर्यदेव के इस गोचर के प्रभाव से आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी और सूर्य का शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए सुबह स्नान आदि के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें। तो ये सारी चर्चा थी आज सूर्य के मीन संक्रांति की। आज हमने चर्चा की कि सूर्यदेव के इस गोचर के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, कोई किसी काम को पूरा करते वक्त भी दोस्तों का सहयोग प्राप्त होगा, आपकी दोस्ती में प्यार और बढ़ेगा। B, नया व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कोई अच्छा मुहूर्त देखकर शुरू कर सकते हैं। C, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, काफी दिनों से अटके हुए काम आपके पूरे होंगे। D, अच्छी कार्य प्रतिभा के लिए आज आपको पदोन्नत किया जा सकता है। E, ऑफिस में सीनियर्स के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है, इसलिए आज ज्यादा ना बोलें। F, आज आपके कामों में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा जिससे आपको कामयाबी हासिल होगी। G, जीवन साथी के साथ मूवी देखने का प्लान बनाएंगे जिससे जीवन साथी आपसे बड़े खुश होंगे। H, घर से निकलते समय जरूरी सामान चेक कर लें, कहीं आप कुछ भूले तो नहीं। I, बिजनेस पार्टनर के साथ किसी बात पर आर्गुमेंट हो सकता है, परेशान मत होइए, चीज़ों को सेटल करने की कोशिश कीजिए। J, आज खुद को आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, किसी भी काम को आप उत्साह के साथ पूरा कर लेंगे। K, टीचर्स के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा, आपके लिए प्रमोशन होने के योग बन रहे हैं। L, आज का दिन परिवार के साथ शॉपिंग करने में ही पूरा दिन निकल जाएगा। M, किसी गलतफहमी से अपने खास व्यक्ति के साथ अनबन हो सकती है। N, आज सफलता आपकी राह देख रही है, चारों तरफ आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। O, आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी जिससे आपकी जरूरतें पूरी होंगी। P, अगर आप नई ज़मीन खरीदने की सोच रहे हैं तो आप उस ज़मीन के बारे में पूरी जानकारी कर लें। Q, जीवन साथी से आपको कोई शुभ सूचना मिलेगी जिससे आपको बहुत प्रसन्नता होगी। R, आज का दिन कवियों के लिए अच्छा है, कोई बेहतरीन कविता लिखेंगे। S, आपके सामने करियर से रिलेटेड कुछ मौके आएंगे जिससे करियर में आपको सफलता मिलेगी। T, आप दूसरों की जितनी मदद करेंगे उसका दोगुना प्रतिफल आपको मिलेगा। U, कोर्ट में लंबित मामला आपके पक्ष में रहेगा जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। V, कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी, उन्हें आप अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे। W, घर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी, इसे आप अच्छी तरह से निभाएंगे। X, अगर आप किसी टेंशन में हैं तो वो टेंशन आज आपसे दूर हो जाएगी। Y, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा, कोई भी काम करें समय के अनुसार पूरा कर लें। Z, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ खरीदने की सोच रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं वृंदावन के पवित्र निधि वन के दर्शन। इस स्थान को बांके बिहारी का प्राकट्य स्थल कहा जाता है। बताया जाता है कि यहीं पर गोस्वामी हरिदास जी ने भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति की थी, जिसके बाद भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर हमेशा यहाँ विराजने का वरदान दिया। बाद में बांके बिहारी जी का अलग मंदिर बनाकर वहां विराजमान किया गया। ऐसा कहा जाता है कि निधिवन में आज भी हर रात भगवान कृष्ण और गोपियों का रास होता है, जिसके साक्ष यहाँ के मंदिर में सुबह के समय मिलते हैं। यहाँ रात को किसी को रुकने की अनुमति नहीं है, तो आप भी कीजिए पवित्र निधिवन के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 14 मार्च को फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। प्रतिपदा तिथि आज शाम 5:07 तक रहेगी, उसके बाद द्वितीय तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 6:50 तक रहेगी। द्वितीय तिथि में छोटे बैगन या कटहरी का सेवन निषिद्ध है, अतः आज शाम 5:07 तक आपको कद्दू यानी सीताफल का सेवन करने से बचना चाहिए, जबकि उसके बाद कल शाम 6
6:50 तक आपको छोटे बैंगन या कटहरी का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। और अब सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज पानी पीकर बाहर जाएं, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 01244721000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।